Assalamu alaikum, grade 7. I'm your English teacher from Silk School of Tomorrow, City Campus, Kilwal. So, grade 7, in our previous lectures, we read about Jack. Okay, Jack, jo hai, he was blind from infancy. वो क्या था? Blind था, वो देख नहीं सकता था. और अपने फादर के ट्रीटमेंट से तंग आकर जब उसने घर छोड़ा तो उसने अपने साथ साथ क्या लिया? वेरी गुड, उसने एक शॉल ली उसकी मदर की और कॉइन लिया, एक ही कॉइन था. और उसने क्या लिया? एक कैन ली, छड़ी ली उसने. अब जैसे ही उसने ये सारी चीज़ें किसी और को दी, उसने किसी की हेल्प की, तो उसकी आईसाइट जो थी वो रिस्टोर होना स्टार्ट हो गई. ये हम लोग स्टोरी में रीड कर चुके हैं कि जैसे जैसे वो किसी की हेल्प करता था, उसने कैन दी किसी को, कॉइन दिया और शॉल दी, तो उसकी आईसाइट जो है वो रिस्टोर होना स्टार्ट हो गई. बट एट द लास्ट और लास्ट बुक रीडिंग में हम लोगों ने क्या रीड किया कि उसके फादर जो थे वो डूब रहे थे किसी रिवर में. अब जैसे ही उसने अपने फादर की आवाज़ सुनी और वो क्या थे? डूब रहे थे. जैसे ही उसने अपने फादर की आवाज़ सुनी, उसने वो केन जो था, छड़ी जो थी, वो पानी में लटकाई कि उसके फादर उसको पकड़ के वो ऊपर आ जाएंगे. बट क्या हुआ कि उसके फादर जो थे वो डूब गए थे, वो नहीं बचे थे. पानी इतना तेज़ बह रहा था कि उसके फादर जो थे वो उस पानी के साथ बह गए थे, डूब गए थे. बट जब जैक ने अपनी लास्ट कैन भी खो दी, जिसको वो मैजिक कैन समझता था, उसमें ये समझता था कि इसमें बहुत सी मैजिक पावर्स हैं, कि जैसे ही उसने वो खोई तो जैक वॉज वेरी सैड. वो बहुत सैड था कि अब तो उसके पास कुछ भी नहीं है. ही हैज़ लॉस्ट हिज फादर, हिज शॉल, हिज कॉइन, हिज केन, कि उसके पास तो अब कुछ भी नहीं है क्योंकि वो सब चीज़ें तो खो चुका है. तो अचानक ही उसने एक आवाज़ सुनी और ये वही वॉइस थी जो कि उसने अपने ड्रीम में भी सुनी थी. अब ये वॉइस उसको क्या बोल रही थी कि इसमें कोई भी मैजिक पावर्स नहीं है, इस केन में कोई भी मैजिक पावर्स नहीं है. एक्चुअली ये क्या है? तुम्हारी गुड डीड्स हैं, तुम्हारे अच्छे काम हैं, जिसकी वजह से तुम्हारी आईसाइट बिल्कुल रिस्टोर हो गई है. ओके ग्रेड 7, एक दफा फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि जैक जो था, ही वॉज ब्लाइंड फ्रॉम इन्फेंसी, एंड व्हेन जैक लेफ्ट हिज हाउस ही टुक शॉल, अ क्वाइन, अ कैन विद हिम. उसने ये तीनों चीजें अपने साथ ली, बट जैसे जैसे वो किसी की हेल्प करता गया, उसकी आई साइट रिस्टोर होना स्टार्ट हो गई. अब क्या हुआ कि एट द लास्ट जब जैक ने कैन भी खो दिया तो वो काफी सैड हो गया कि अब क्या होगा, ये तो मेरा मैजिक कैन था, और उसने रोना स्टार्ट कर दिया. बट अचानक ही उसने एक आवाज सुनी. उसने क्या सुना? कि सैड मत हो, ये जो कैन है इसमें कोई मैजिक पावर्स नहीं है, एक्चुअली ये तुम्हारी गुड डीड्स हैं जिसकी वजह से तुम्हारी आई साइट रिस्टोर होगी. अब जैसे ही उसने आईज ओपन की तो क्या हुआ कि उसको बिल्कुल ब्राइट नजर आना स्टार्ट हो गया. नाउ ग्रेड 7, ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 11. ऑन पेज नंबर 11 हियर इज योर बुक रीडिंग. द बॉय सैट डाउन एंड बरीड हिज फेस इन हिज हैंड्स. द बॉय सैट डाउन, लड़का नीचे बैठ गया, एंड बरीड हिज फेस, और अपना चेहरा छुपा लिया, इन हिज हैंड्स, अपने हाथों में. वंस अगेन ही फेल्ट, एक दफा फिर उसने महसूस किया, समवन टच हिज शोल्डर, किसी ने उसके कंधे को छुआ है. व्हाट्स द मैटर जैक, क्या मामला है जैक, आस्क द वॉइस, आवाज ने कहा. फ्रॉम हिज ड्रीम, उसके ख्वाब से, उसके ख्वाब वाली आवाज ने पूछा कि क्या मामला है. आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग, मैं सब कुछ खो चुका हूँ, सॉब्ड जैक. जैक ने सिसकियाँ भरी. सॉब्ड का क्या मीनिंग होता है? सिसकियाँ भरना. माई मैजिक कैन इज गॉन, मेरी जादुई छड़ी भी चली गई. नाउ आई शैल नेवर सी अगेन, अब मैं कभी भी दोबारा से नहीं देख सकूंगा. पैराग्राफ नंबर 13, ओ जैक, सेड द वॉइस, आवाज ने क्या कहा. ओ जैक, द कैन हैड नो मैजिक पावर्स, छड़ी में कोई भी जादुई ताकत नहीं थी. इट वॉज योर गुड डीड्स, ये तुम्हारे अच्छे काम थे. दैट रिस्टोर योर साइट, जिससे तुम्हारी बिनाई बहाल होगी. एंड फॉर गिविंग योर फादर, और तुम्हारे फादर को, तुम्हारे वालिद को माफ कर देना, वॉज द ग्रेटेस्ट वन ऑफ ऑल, उन सब में सबसे बड़ी अच्छाई थी. ओपन योर आईज, अपनी आंखें खोलो, एंड लुक अराउंड यू, और अपने इर्द गिर्द देखो. जैक स्लोली रेज्ड हिज हेड, जैक ने आहिस्ता से अपना सर उठाया. ही सॉ अ वर्ल्ड ऑफ सच ब्यूटी,
उसने एक खूबसूरत दुनिया को देखा दैट ही कुड ओनली गास्प इन वंडर एंड डिलाइट, कि वो खुशी और हैरानगी में सिर्फ हांफता ही रह गया। कि ग्रेड सेवन, नाउ वी हैव डन आवर बुक रीडिंग। बुक रीडिंग से ही आप लोग ट्रांसलेशन राइट करेंगे। नाउ दिस इज आवर ट्रांसलेशन सेंटेंस। इस सेंटेंस की पहले वर्ड टू वर्ड मीनिंग्स राइट करेंगे और उसके बाद फुल लाइन की ट्रांसलेशन राइट करेंगे। द बॉय, लड़का, सेट, बैठा, डाउन, नीचे, एंड और बैरिड, छुपाया, हिज, अपना, फेस, चेहरा, इन मे, हिज हैंड, अपने हाथ में। पूरी लाइन की ट्रांसलेशन आप राइट करते हैं। लड़का नीचे बैठा और उसने अपना चेहरा हाथों में छुपाया। क्रिकेट चैमर, नाउ वी हैव टर्न आवर ट्रांसलेशन। बाकी की पैराग्राफ की ट्रांसलेशन आप ऐसे ही राइट करेंगे और जो कि आपके होमवर्क के लिए है। नाउ ओपन योर नोटबुक्स, अगेन मेंटेन योर नोटबुक्स, राइट योर डेटे, टिक योर होमवर्क एंड योर टॉपिक इज क्वेश्चंस आंसर्स। नाउ टुडे इज योर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका क्वेश्चन नंबर 10 इज इन पैराग्राफ नंबर 12। जैक सेज, पैराग्राफ नंबर 12 में जैक कहता है, पैराग्राफ नंबर 12 हमने आज ही रीड किया है, आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग, कि मैं सब कुछ खो चुका हूँ। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल थिंग्स, उन सब चीज़ों की एक लिस्ट बनाया। ही लूजेज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द हिस्ट्री, जो कि उसने इस पूरी हिस्ट्री में, इस पूरे चैप्टर में जो चीज़ें उसने खोई हैं उसकी लिस्ट बनानी है। वो चीज़ें मैंने आपको काउंट भी करवाई हैं। क्या क्या थी वो चीज़ें ग्रेड 7? यस, वेरी गुड। शॉल थी, क्वाइन था और मैजिक केन थी, और उसके फादर भी थे जिनको उसने सबसे लास्ट पे खो दिया था, जो कि डूब गए थे रिवर में। आंसर राइट करते हैं। ग्रेड 7, वी हैव टर्न आवर आंसर। आपका आंसर है फर्स्ट ही लॉस्ट हिज मदर, सबसे पहले तो उसकी मदर को उसने खोया, देन द क्वाइन, और उसके बाद क्वाइन उसने किसको दिया था, एक ब्लाइंड बैगर को उसने क्वाइन दिया था, उसके बाद ही टू जो कि उसने अपने घर से लिया था, देन हिज मदर शॉल, फिर उसने अपनी मदर की शॉल दी, देन द वॉकिंग केन जो कि उसने उसकी छड़ी थी जिसमें मैजिक पावर्स थी, एंड फाइनली हिज फादर, और फाइनली उसने अपने फादर को खो दिया। तो ये थी उन सारी चीज़ों की लिस्ट जो कि उसने इस पूरे चैप्टर में खोई है। नो योर क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 इज How can you tell that the story is a folk tale? ये आप ये कैसे कह सकते हैं ये जो स्टोरी है वो एक folk tale है। folk tale कौन सी होती है? folk tale हर रीजन की अपनी अपनी होती है, जो कि एक दूसरे की सुनाने से हमें पता चलती है। ओके ग्रेड 7, नाउ योर आंसर। ग्रेड 7 क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है, इट कंटेन्स अ मॉरल एंड अ सुपर नेचुरल एलिमेंट। इसमें एक मॉरल है, इस स्टोरी में एक मॉरल है, और वो मॉरल क्या था कि उसकी वो गुड डीड्स थी, उसके वो अच्छे काम थे जिसकी वजह से उसको अच्छा सिला मिला, एंड अ सुपर नेचुरल एलिमेंट। सुपर नेचुरल एलिमेंट क्या होता है? गैबी ताकत होती है जिसका हमें पता नहीं होता। बोथ आर विच आर कॉमन फीचर्स ऑफ फोक टेल, और ये दोनों फीचर्स जो हैं, दोनों खूबियाँ जो हैं वो एक फोक टेल में ही होती हैं। तो इसमें ये दोनों एलिमेंट हैं, दैट इज वाई दिस इज अ फोक टेल। ग्रेड 7, नाउ वी हैव टर्न आवर चैप्टर नंबर 1। आज के लेक्चर से आप लोग अपना होमवर्क अच्छे से राइट करेंगे, राइट करने के बाद आप उसकी रफ रजिस्टर पर प्रैक्टिस करेंगे, लर्न करके किसी को सुनाएंगे भी। ओके ग्रेड 7, नाउ टेक केयर, खुदा हाफिज़।